IRPFS पुलिस ने त्योहारों को देखते हुए एक अभियान चलाया और टिकट के कालाबाजारी पर रोक लगाई। पिछले दिनों लोगों ने दिवाली छुट्टियों का जमकर फायदा उठाते हुए जमकर सैर सपाटा किया। ऐसे में टिकट कालाबाजारी की संभवता को नकारा नहीं जा सकता था। देखिए, अक्टूबर महीने में हमारे यहाँ बहुत विभिन्न फेस्टिवल थे, जिसमें दशहरा, धर्मचक्र प्रवर्तन, दिवाली, छठ, इसके चलते भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। इसको देखते हुए कि यात्रियों को टिकट आसानी से मिले और इसमें दलाल ना पनपे, एक ड्राइव चलाई गई थी जिसमें पूरे महीने में विभिन्न जगहों पर कार्रवाई की गई। इसमें हमने 24 दलालों के खिलाफ कार्रवाई की है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, आपका बैतूल और छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं, जिसमें कुल नागपुर में 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, इसमें जो हमें कुछ लाइव टिकट्स मिले हैं और कुछ ओल्ड सीज टिकट्स मिले हैं, और जो हमने जितने भी केस प्रॉपर्टी सीजर है उसको दर्ज करके मोबाइल और उनके जितने टिकट्स हैं वो हमने सीज़ किए। देखिए, मैं नागरिकों से यही आह्वान करता हूँ कि अगर वो टिकट बुक करा रहे हैं तो हमेशा वो ऑथराइज्ड एजेंट से बुक कराएं या स्वयं बुक करें। अगर आप दलालों से कराते हैं तो आपको जब हम टिकट सीज़ करते हैं तो आपकी यात्रा भी कैंसिल हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी यात्रा कैंसिल ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने जेब कतरों और इन सब के लिए बताया, तो इसमें हमारी टीम और GRP की टीम हमेशा मदद कर रही है, और मैं यात्रियों से कहना चाहूँगा कि अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है तो वो 139 ये रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर संपर्क करें, उन्हें सारी सुविधा मौजूद कराई जाएगी और हम तत्पर हैं कि उनकी यात्रा सुगम और अच्छी हो।